क्रांति कृपलानी नगर स्थित राष्ट्र समाचार के मुख्य कार्यालय पर लोकप्रिय मॉडल कुणाल पंचोली के आगमन पर संपादक ऋतिक जी खतूरिया ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। शहर के लोकप्रिय 25 वर्षीय मॉडल कुणाल पंचोली अपना करियर एक्टिंग प्रोफेशन में बनाना चाहते हैं। उन्होंने कई एक्टिंग वर्कशॉप की, साथ ही कई MP बेस्ड शॉर्ट फिल्मों में और कुछ बॉलीवुड फिल्मों में हिस्सा रह चुके हैं, जैसे अन्ना का आंदोलन। यहाँ से बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री में संपर्क बनता चला गया। मॉडलिंग करियर की शुरुआत HBTV चैनल के फैशन शो से हुई। फिर कुणाल मिस्टर इंदौर, मिस्टर MP एवं मिस्टर सेंट्रल इंडिया फाइनलिस्ट भी बने। फिलहाल कुणाल के पास मिस्टर सेंट्रल इंडिया फाइनलिस्ट की पोस्ट है और यहीं से शहर और शहर के बाहर कुणाल को ख्याति एवं लोकप्रियता प्राप्त हुई और लोग कुणाल को शहर के लोकप्रिय मॉडल के रूप में जानने लगे। कुणाल मॉडलिंग, एक्टिंग, बिजनेस, पॉलिटिक्स के साथ फैमिली बिजनेस भी देखते हैं। सभी चीज़ों का टाइम मैनेजमेंट वे बहुत अच्छे से करते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ कुणाल काफ़ी धार्मिक है। वे महादेव को मानते हैं और अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ करते हैं और रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम और श्री शिव तांडव स्त्रोत उन्हें कंठस्थ याद है और वे इनका नियमित पाठ करते हैं। फैशन इंडस्ट्री में इतने अनुशासन और धार्मिक कार्य करने वाले बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं, पर कुणाल इन सभी चीज़ों को पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। इन सभी के साथ कुणाल गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की अक्सर मदद करते दिख जाते हैं। उनके दोस्त भी उन्हें दिलदार, मनमौजी व्यक्ति कहते हैं। जितना उनसे हो सकता है वे मदद के लिए तैयार रहते हैं। उक्त विचार कुणाल ने राष्ट्र समाचार के कार्यालय पर व्यक्त किए। सपना तो देखिए ऐसा है कि लाइक मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ जिंदगी में, बट जो अभी फिलहाल मेरा चल रहा है इन सब के चलते हुए यही चीज एक है सपना मेरा कि लाइक मैं रहूँ या ना रहूँ, बट एक ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करके जाना चाहता हूँ कि लाइक मैं रहूँ या ना रहूँ लोगों की मदद होती रहे उसके जरिए, उस काम के जरिए। फिर मिस्टर इंदौर बना, मिस्टर इंदौर के बाद मिस्टर MP की पोस्ट आई मेरे पास। फिर अभी फिलहाल जो मेरे पास पोस्ट है मिस्टर सेंट्रल इंडिया फाइनलिस्ट की पोस्ट है भाई। राष्ट्रीय समाचार के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि देखो जो भी करो अपनी जिंदगी के अंदर उसको पूरे सकारात्मकता के साथ करो। आजकल के युवाओं को मैं देखता हूँ कि सकारात्मकता उनमें खत्म होती जा रही है, नकारात्मक हो रहे हैं, गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं बच्चे, धर्म की प्रति है। तो बस वही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यह है कि पूरा सकारात्मकता के साथ जो भी करो पूरा अपना 100% देकर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक क्योंकि आप 100% अगर नहीं दोगे तो वही चीज़ होती है कि यार 1% भी अगर डाउट रहा तो वो नेगेटिविटी पैदा करता है वो चीज़। इसलिए जो भी करो अपना पूरा सकारात्मक के साथ में 100% देकर करो। अभी बॉलीवुड में आपने अन्ना जी के साथ में फिल्म का जो थी आगे करी, इसमें क्या मतलब रोल रहा, कैसा रहा आपका रोल? इसमें देखिए इंटर्नशिप जैसा था मेरा, वो सीखने के हिसाब से था कि लाइक डायरेक्टर के साथ में इंटर्नशिप थी मेरी एक तरह से, वो जिसमें कि लाइक किया है कि अब देखा जाए कि देखो अब एक्टिंग में मैं था ऑलरेडी, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया तो वहाँ से मेरे कॉन्टैक्ट्स है, तो कहीं पर भी ऐसा कुछ उनको लगता है कि मेरे लायक कुछ है सीखने लायक चीज़ तो ये है कि मैं वहाँ पर जाता हूँ लाइक और सीखता हूँ वो चीज़, यानी कि मेरी एक तरह से इंटर्नशिप थी वो देखा जाए तो। जी बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय समाचार की।